हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग राम राम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करें चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड द पिलग्रिम्स। इसमें इस लड़की की स्टोरी बताई गई है, जगिनी एट द मार्केट। जगिनी लुक फॉरवर्ड एट द फेयर इन द विलेज। उस मेले में कुछ देख रही थी। शी लव टू सी द पॉट्स एंड पैंस वगैरह। उसने सोचा कि ये सब लोग जो आपको चीजें बेच रहे हैं, ये बेसिकली ट्रेडर्स होते हैं, जो किसी दूसरी जगह से सामान खरीदते हैं एंड किसी दूसरी जगह पे ही सेल करेंगे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनका जो काम है घूमने फिरने का, एंड उसके बीच में जो इनका प्रॉफिट है उसी से अपना घर चलाते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रेडर्स एंड ट्रेड, ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में हम कैसे पता करेंगे? आपने पढ़ा था नदन ब्लैक पॉलिश्ड ग्रेवियर, या फिर नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। उसमें हमने देखा था कि जो फाइन पॉटरी थी, स्पेशली बोल एंड द प्लेट्स, वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट साइट। अगर आपको याद आ रहा है तो चैप्टर नंबर 8 को एक बार रिकॉल करें। हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेस, ये इस जगह पे कैसे आई, आप कैसे पता कर सकते हो? ट्रेडर्स मे हैव कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड सेल देम टू अनदर थिंग। जैसे साउथ इंडिया की अगर बात करें तो फेमस किसके लिए है हमारा? गोल्ड के लिए, स्पाइसेज के लिए, स्पेशली किसमें? पेपर, काली मिर्च वगैरह के लिए, प्रीसी स्टोन के लिए। पेपर वाज प्रैक्टिकली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, एंड पेपर भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि रोमन एम्पायर में कौन सा हमारा जो कुछ खाने की चीजें पूछी हुई थी कि किसके लिए वो लोग ट्रेड करते थे, बेसिकली पूछा गया था तो पेपर के कंटेक्स्ट में। सो मच सो दैट नोन एज ब्लैक गोल्ड। और इसको हम क्या बोलते हैं, पेपर को ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो पूछ सकता है यूपीएससी एंशिएंट टाइम में ब्लैक गोल्ड वाज रेफर टू व्हाट, दैट इज पेपर। सो ट्रेड जो ट्रेडर्स थे कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम, रोम में भी लेके जाते थे, द शिप्स अक्रॉस द सी एंड लैंड के द्वारा भी। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट ए लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन जो गोल्ड है ये हमें साउथ इंडिया मिले हैं। तो यहाँ पे हमें रोम के सिक्के मिल रहे हैं, वहां पे हमारी चीजें जा रही हैं, तो बेसिकली ट्रेड के द्वारा था। ए पोइम अबाउट द ट्रेड, ट्रेड के लिए एक पोइम यहाँ पे बताई गई है। वी कैन फाउंड एविडेंस ऑफ द ट्रेड द संगम पोइम्स में। हियर इज वन ऑफ द जो आपको गुड्स है इन द पोहार। तो पोहार आपका कौन सा कोस्ट है, तो आप ये बताएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया पोहार एंड भरूच, जो कि इम्पोर्टेंट ईस्ट कोस्ट था, सॉरी यहीं पे आ गया हमारा जो बैरूच है ना गुजरात, एंड कुहार ईस्ट कोस्ट, इस जगह पे आपका कुहार मालूम। हियर आर बोट स्विफ्ट प्रांसिंग हॉर्सेज बाई सी इन ए शिप, बेल्स ऑफ द ब्लैक पेपर इन द कार्ट्स, जेम्स एंड गोल्ड इन द हिमालयाज। मतलब ये बताया गया कि उस जगह से चीजें आ रही हैं, बाकी इस पोईम में कुछ नहीं है। सैंडलवुड वेस्टर्न हिल से, द पर्ल कहाँ से, सदर्न सी से, कोरल्स भी आपके कोरल्स इन द ईस्टर्न ओशियन, और जो इल्ड है गंगा की, एंड द क्रॉप फ्रॉम कावेरी, फूड स्टफ फ्रॉम द श्रीलंका, पोटरी फ्रॉम म्यांमार एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट। ठीक है, उसके अलावा हम इम्पोर्ट करें तो ये जिस जगह से लोकेशन है उसके ऊपर नोट डाउन करो। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, बहुत सारे सी रूट्स इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं। सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, कईयों ने किसी द कोस्ट को फॉलो किया है, एंड अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, जहाँ से सैलर टुक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून। जैसे ये हमारा इंडिया है, ये आपका अरेबियन सी, जैसे ही आपकी जो मॉनसून के टाइम में हवाएं इस साइड आएंगी तो उस टाइम ये लोग हवा के साथ साथ हम बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम में अपनी बोट को उतार देंगे और मोर इजिली या फिर मोर क्विकली वो इंडिया में पहुंच सकते थे। सो इफ दे वॉन्टेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, ये हमारा अफ्रीका यहाँ पे एंड अरेबिया से, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून, और इसको हम क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ड दिस लॉन्ग जर्नीज। उसके बाद न्यू किंगडम्स अक्रॉस द फिर अलोंग द कोस्ट, द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाई ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, हमारी बहुत लंबी कोस्ट लाइन है सदर्न की, जहाँ पे हिल्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं एंड रिवर वैलीज भी हैं। अमंग अस द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी को सबसे फर्टाइल बताया गया है। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल, जो इस जगह पे कंट्रोल करेंगे वो पावरफुल हो जाएंगे। संगम पॉइंट जो कि मेंशन करते हैं कि इसको मूवेंडर, पूछ सकता है संगम पॉइंट में जो मूवेंडर है उसका मतलब क्या है। दिस इज द तमिल वर्ड जिसका मतलब है तीन चीज एंड यूज फॉर द हेड्स ऑफ थ्री, तो तीनों का जो हेड हो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज मूवेंडर, जिस रूलिंग फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज चोल चेर एंड पांड्याज। तो आपकी सदर्न किंगडम है, ध्यान रखना है, एक दो क्वेश्चन इनसे आ जाता है हर बार। वो बिकम पावरफुल, आज से 2300 साल पहले साउथ इंडिया में ये पावरफुल किंगडम थे।
ईच ऑफ थ्री शिप आपके जो है टू सेंटर ऑफ पावर, सबके पास दो दो सेंटर हैं, एक तो इनलैंड के लिए एंड एक कोस्ट पे, क्योंकि ट्रेड करना है तो कोस्ट पे हम अपना जो सामान वगैरह उतराएंगे एंड उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर अपने अलग अलग जगह पे सेल करेंगे। इसमें सिक्स सिटीज हैं, जैसे यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुहार किसकी है, कुहार या फिर कावेरीपट्टनम, ये पोर्ट है चोलार्स का। तो चोला एम्पायर का कौन सा पोर्ट है, डायरेक्ट यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि साउथ हिस्ट्री से वो बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं, दो से तीन क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। तो कुहार एक ट्रिक है, पोहे इसको चोल को चावल बना सकते हो, और कावेरी बस ऐसे कुछ ट्रिक बना सकते हो। और मदुरई जो है ये पांड्याज की, पांड्याज अधिक पांड्या से याद रख सकते हो, मदुरई ये उसकी कैपिटल है। पूछ सकता है कावेरीपट्टनम किसकी है, फिर कुहार किसकी है, दैट इज चोलाज। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स, रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे, इंस्टेड वो डिमांड करते थे गिफ्ट के लिए। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन, अपना मिलिट्री एक्सपीडिशन भी करते थे, किसी और के टेरिटरी को ऑक्यूपाई भी करते थे, एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट, जो भी पड़ोसी राज्य है उससे उस टैक्स कलेक्ट करते थे, सॉरी ट्रिब्यूट मांगते थे। दे कैप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग द सपोर्टर्स, इंक्लूडिंग आपके मेंबर्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली के, सोल्जर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पोइट्स के साथ, और बहुत सारे जो पोइट्स हैं वो कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम लिटरेचर, जो है कंपोज द प्रेज ऑफ चीफ, तो उन्हीं की ज्यादा बड़ाई करते थे। ऑफन रिवार्डेड विद द मैजिक प्रीशियस स्टोन, जो उनको प्रीशियस स्टोन वगैरह देगा, गोल्ड वगैरह देगा, एलिफेंट चैरियट्स, तो उसकी बड़ाई तो जरूर करें। अराउंड 200 साल के बाद ये डायनेस्टी कौन सी आई, सतवाहना, जो कि पावरफुल किंगडम थी वेस्टर्न इंडिया की। तो ये डायरेक्ट अगर यूपीएससी बिल्कुल बेसिक पूछेगा तो पूछ लेगा सतवाहना कौन सी जगह पे रूल करती थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कौन सी इंडिया कौन से पार्ट पे, तो आंसर विल बी वेस्टर्न पार्ट, फिर वेस्टर्न इंडिया। द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर कौन था इसका सतवाहना का, दैट इज गोमती पुत्र श्री सतकर्णी, उन्होंने अपनी मदर के नाम पे टाइटल लिया था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, जो कि कंपोज किया गया था ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, उनकी माता के बिहाफ पे इसको तैयार किया गया था, जिसका क्या नाम था, गोमती बलसिरी। ही एंड अदर सतवाहना जो रूलर हैं वर नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणा, इसको अगर ब्रेक करोगे इस सेंटेंस को, तो लॉर्ड मतलब भगवान, किसका, दक्षिणापथ, दक्षिण का जो पथ है मतलब साउथ का जो रूट है, तो साउथ जाएंगे तो इस हिसाब से जाएंगे, तो उस जगह पे कंट्रोल कर रहे थे। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, विच हैज ऑल्सो यूज एज द नेम ऑफ द एंटायर साउथ रीजन, जो कि पूरे साउथ रीजन के लिए भी यूज किया जाता था, कि दक्षिणापथ। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। उसके बाद स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, सिल्क रूट आपका चाइना के साथ एसोसिएट है, एंड आज के टाइम में चाइना का कौन सा है, बीआरआई, दैट इज बेल्ट एंड रोड रोड इनिशिएटिव। रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ द सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन द मोस्ट सोसाइटीज। सिल्क से बहुत सारी सोसाइटी उसको हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा वैल्यूएबल मानते थे। मेकिंग सिल्क इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। रॉ सिल्क हैज बीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द सिल्क वर्म, इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्पून्स इनटू थ्रेड एंड देन वो इनटू क्लॉथ, जो भी सिल्क का फॉर्मेशन का प्रोसेस है। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड कहाँ पे हुई थी, चाइना में, पूछ सकता कौन सी ईयर में, 7000 साल पहले, 2000 इसको बैक करेंगे 2000 ये, देन 5000 BC के आसपास, लेकिन कंट्री याद रखनी है, सिल्क चाइना। वाइल द मेथड रिमेन क्लोजली गार्ड, कई दिनों तक इन्होंने सीक्रेट रखा है, चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड, लेकिन जब इन्होंने ट्रेड जो ट्रेड किया था हॉर्सेज पे, कैमल्स पे, इन सब पे, तो बाकी लोगों को भी पता चल गया था इस पाथ का, जिसको हम क्या बोलते थे, सिल्क रूट, मतलब ज्यादा है सिल्क का ट्रेड है, उसको हम सिल्क रूट बोल रहे हैं। समटाइम चाइनीज रूलर्स जो है सेंट गिफ्ट द सिल्क टू रूलर्स ऑफ आयर, जो ईरान और वेस्ट एशिया के किंग, जो आपके राजा हैं, उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं। फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फ्रॉम अदर वेस्ट, उसके बाद ये आपकी दिन सीक्रेट नहीं रहा। और आज से 2000 साल पहले वियरिंग सिल्क, जो कि बहुत फैशन था, मतलब उसको ट्रेंडिंग माना जाता था इन द रोम, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी था, एंड हैड टू बोट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, सिर्फ चाइना से ही लेके आ जाता था, अलोंग द डेंजरस रोड, हिली एरियाज वगैरह से, माउंटेन डेजर्ट वगैरह से भी लोग आते थे इसको कैरी करके। पीपल लिविंग अलोंग द रूट्स आर ओपन डिमांड, जो लोग इन रास्तों के बीच में रह रहे थे तो वो इनसे डिमांड करते थे पेमेंट के लिए, उसके बाद ही वो लोग इसको
अलाउ करेंगे टू पास थ्रू दिस प्लेन या फिर जिस भी रूट से है। मैप नंबर 6 पे आप देख सकते हो पेज नंबर 76 और 77 पे, जहाँ पे आपको सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस दिखाई गई हैं। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल द लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, दिस वाज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम द टैक्स। ज्यादा वो उसके आसपास के एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करने में इंटरेस्टेड थे ताकि उसको टैक्स ज्यादा मिले, ट्रिब्यूट्स के लिए, गिफ्ट के लिए, और ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स जो कि ट्रेवलिंग करते थे अलोंग दिस रूट। इन रिटर्न दे वर प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स, उसके बदले उनको प्रोटेक्ट करते थे जो यहाँ से पास होगा और उनके किंगडम के साथ जाएगा। किससे बचाएंगे? रोबर्स, द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल दिस सिल्क रूट। इस सिल्क रूट को सबसे बेस्ट कंट्रोल किसने किया? बहुत सारे स्टेट पीछे इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट इज कुषाण किंगडम ने, और उसका राजा कौन था? कनिष्क। तो कनिष्क और कुषाण एम्पायर ने सिल्क रूट को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। इसका जो बोल सकते हैं एरिया है, सेंट्रल इंडिया में वो लोग अपने रूल करते थे, नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में आज से 2000 साल पहले। देयर टू मेजर सेंटर जो थे ऑफ द पावर वर पेशावर एंड मथुरा, के जो दो मेन सेंटर थे दैट इज पेशावर और मथुरा। तक्षशिला वाज इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, इनके किंगडम में तक्षशिला भी थी, और उनके रूल के टाइम में ए ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, रिवर इंडस तक वो लोग पहुंच गए थे। फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर, और वहां से आपकी रोमन एम्पायर में सिल्क चली जाती थी। द कुषाण वर अमोंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जिन्होंने इश्यू किए थे गोल्ड कॉइन, तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। दे वर यूज बाय द ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट। भी आएगा स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, नीचे दिखाया गया है स्कल्पचर फ्रॉम द स्तूपा ऑफ झांसी, लुक एट द ट्री एंड एम्प्टी सीट। स्कल्पचर कार्ड आप इंडिकेट करते हैं बुद्धा हैज अटेंड एनलाइटमेंट, जो कि ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। यू कैन सी इस जगह पर इस सीट को इंडिकेट किया गया है, उनको एनलाइटमेंट मिल चुका है। तो बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ? द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर जो थे कनिष्क, जिनका रूल या फिर बोल सकते हैं 1900 से 2000 साल पहले थे, ऑर्गेनाइज ये बुद्धिस्ट काउंसिल, उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल हमारी 6 हो चुकी हैं। फर्स्ट आपकी हुई थी अजातशत्रु ने, जिसको प्रिजाइड किया था। सेकंड कालाशोक, थर्ड आपकी अशोक का जो कि मौर्य एम्पायर था, फोर्थ आपकी कनिष्क। कौन कौन सी जगह पे हुई है? फर्स्ट आपकी राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ इज कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये पूछ सकता है किसने इसको प्रिजाइड किया है, ये पूछ सकता है उसके टाइम में कौन राजा था। ये सारी चीजें आपको आगे भी डिस्कस करेंगे, बट द मोस्ट इंपोर्टेंट है ही ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस इंपोर्टेंट मैटर्स। तो ये पूछ सकता है बुद्धिस्ट काउंसिल में बेसिकली क्या होता था, इंपोर्टेंट मैटर्स पे हम डिस्कस करेंगे। अश्व घोष जो था एक पोइट है, वो कंपोज ए बायोग्राफी, उसने एक बायोग्राफी लिखी है बुद्धा की, इसको हम क्या बोलते हैं? बुद्ध चरित्र, जो कि बुद्धा कोर्ट में था, सॉरी लिव इन हिज कोर्ट। ठीक है, अश्व घोष जो है एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत, और अब वो संस्कृत में लिख सकते थे। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, इसको हमने क्या बोला? महायान बुद्धिज्म। बुद्धिज्म हो कोई भी सेक्ट हो, डिविजन हमेशा होते हैं, कंफ्लिक्ट हमेशा होते रहेंगे, बिकॉज ऑफ सम वो सकते हैं अपनी अपनी डिमांड होती है। तो बुद्धिज्म में भी आपकी दो चीजें निकल के आई, एक तो हीनयान, एक महायान। कैसे याद रखेंगे? महायान, महा मतलब नया, तो न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म कौन सी थी? महायान। ये क्या बोलते थे कि बुद्धा जो है नेक्स्ट आपके फ्यूचर में भी आ सकते हैं, फिर उनकी फॉर्म कोई भी हो सकती है। हीनयान बोलते थे बुद्धा सिर्फ एक बार आए हैं, इन्होंने इनको मूर्ति वगैरह में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, बाकी हम देख लेंगे। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर, अर्लियर क्या कहते थे? बुद्धा प्रेजेंस वाज शोन इन द स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस, फॉर इंस्टेंस उसकी उनकी अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट को किसे शो किया था? पीपल ट्री। बुद्धा को ज्ञान मिल गया पीपल ट्री, उन्होंने घर छोड़ दिया था, दैट इज चैरियट वगैरह, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एम्प्टी सीट मतलब उनकी डेथ हो चुकी है इस टाइप से। नाउ स्टेच्यूज ऑफ बुद्धाज वर मेड, मैनी ऑफ दीज वर इन द मथुरा, ज्यादातर आपकी बुद्धिज्म जो इंडिया में है उसका सेंटर कौन सा था? मथुरा, वाइल अदर्स वर इन तक्षशिला। तक्षशिला में आपकी गांधार आर्ट मिलेगी, और एक अमरावती, तीन स्कूल है, अमरावती स्कूल, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। द सेकेंड चेंज वॉज इन द बिलीफ ऑफ बोधिसत्वास,
महायान सिर्फ ब्रांच है, लेकिन बोधिसत्व क्या है? जिन लोगों को एनलाइटमेंट मिल चुकी है उनका अब क्या काम है? कि वो अब इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाएंगे, वो साथ रहेंगे इन लोगों के साथ एंड उनको टीच करेंगे। दैट्स इट, बोधिसत्व। आज इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेंट विद द वर्ल्ड, यही बात है। बोधिसत्वाज बिकम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू आउट द सेंट्रल एशिया, चाइना के साथ एंड लेटर आपका कोरिया और जापान। तो बोधिसत्वा सारी जगह गए थे। बोधिसत्वा हम बोल सकते हैं लोग ही थे, ऐसा और कुछ नहीं था। कुछ लोग थे जिन्होंने एनलाइटमेंट ले लिया है, अब वो लोगों को टीच करेंगे, बुद्धा कहलाएंगे, सॉरी बुद्धा के फॉलोअर कहलाएंगे। बट उनके लिए सेपरेट क्या कर दिया कि एनलाइटमेंट मिल चुका तो बोधिसत्वा जाओ, या फिर हिंदी में बात करें बोधिसत्व। यहाँ पे दो पिक्चर दिखाई गई है, लेफ्ट में बुद्धा फ्रॉम मथुरा, तो स्टैंडिंग पिक्चर है, एंड ये आपका तक्षशिला से लिया गया है, इसमें आप सिमिलरिटी वगैरह देख सकते हैं। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू द वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में फैल गया था, वेयर डजन ऑफ केव्स और होलोड हिल्स और आपके मॉन्क वगैरह जाते रहते थे। हमने देखा था जनता केव्स हो, सॉरी जनता बोल रहा हूँ, बिम्बेट का। वैसे स्पेशली अगर बात करें अजंता, अलोरा, एलिफेंटा, बारबरा, ये सारी आएंगी, वो हम देख लेंगे। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग, बहुत सारे किंग्स जिनको ऑर्डर करेंगे तब ये लोग बनाते थे। अदर्स बाय मर्चेंट, कुछ मर्चेंट लोगों ने बनाई थी, कुछ फार्मर्स ने बनाई थी। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर द पासेज थ्रू द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की जो पासेज है उसके आसपास मिलेंगे। रोड कनेक्टिंग प्रोस्पेक्ट पोर्ट ऑफ द कोस्ट विद सिटीज इन द डेक्कन कैन थ्रू दीज पासेज। ट्रेडर्स क्या करते थे? प्रोबेबली इनके अंदर से जाते थे। हॉल्टेड दीज केव्स मोनास्ट्री ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स, तो इस टाइप के वो लोग स्ट्रक्चर बनाते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट वर्ड में भी, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कुछ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। तो याद रखना, यूपीएससी ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जहाँ पे बुद्धिज्म नहीं था। तो कोई साउथ अमेरिका की ऐसी कंट्री है, देखो उसको एलिमिनेट करोगे तब आंसर आएगा। बट ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि एशिया की ऑलमोस्ट कंट्री में बुद्धिज्म चला गया था। स्पेसिफिकली अगर किसी को रिमूव करना हो उसको हम देख लेंगे, बट यहाँ पे सभी को इंक्लूड करना है। ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म उसको हम क्या बोलेंगे? थेरावादा बुद्धिज्म। कंफ्यूज नहीं होना, ब्रांच थी महायान हीनयान। हीनयान बट हीनयान और महायान दोनों में ही अगर कोई ओल्ड है या फिर ओल्ड फॉर्म हम बोल सकते हैं तो उसको हम थेरावादा बोल सकते हैं कि बहुत पुराने बुद्धिज्म, उसमें आपके हीनयान महायान दोनों हो सकते हैं। बट इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये ब्रांच स्पेसिफिकली नहीं थी, ये सिर्फ एक फॉर्म है। ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म उसको क्या बोलते हैं? थेरावादा। तो पूछ सकता थेरावादा टर्म एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म क्या था बेसिकली, उनकी ओल्डर फॉर्म जो कि पॉपुलर थी इन दीज एरियाज। यहाँ पे केव है करले में, तो पूछ सकता करले केव कहाँ पे है? महाराष्ट्र। द कस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, एज ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड इन द कारवान शिप्स पिलग्रिम्स जो थे ऑफन ट्रेवल विद देम, उसके साथ जाते। पिलग्रिम्स क्या होते हैं? मैन एंड वुमेन अंडरटेक जर्नी टू द होली प्लेसेस, तो हम बोल सकते हैं तीर्थ यात्री, अगर आपको इंग्लिश में है तो तीर्थ यात्री बोल सकते हैं। द बेस्ट नोन ऑफ दीज, इस टाइप के कुछ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे जैसे फाहियान, इसको हियान बोलेंगे, फाहियान, जो कि किस टाइम में आया था? 1600 साल, तो आज से 2000 है तो माइनस करोगे तो 400 AD के आसपास। किसके टाइम पीरियड में आया था? गुप्ता रूलर्स के टाइम पीरियड में। तो एक आया आपका जुआन जैंग, इसको हवेन स्वांग भी बोलते हैं, ये 1400 साल पहले, ये 600 AD के आसपास, 600-700। एंड एक आया था इत सिंह, इत क्विंग जो भी है, ये उसके 50 साल बाद, इससे 50 साल हवेनसोंग आया है इसके साथ, 650 के आसपास हम बोल सकते हैं। दे केम टू विजिट द प्लेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, इसके लिए आपकी जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी थी आपकी नालंदा, उसमें लोग पढ़ने के लिए आए थे, और बुद्धा के जितने भी एसोसिएटेड प्लेस थे, क्योंकि इंडिया क्या कंसिडर किया जाता है? ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में, एंड एट दैट टाइम बोल सकते हैं कैसो के एम्पायर में थे वो। वैसे अशोक तो बाद में आया, बट उससे एसोसिएट कर सकते हैं। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स जो है लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, दे रोट ऑफ द डेंजर्स, उन्होंने लिखा है जो यहाँ पिलग्रिम्स आए थे कि उन्होंने ट्रेवलिंग के टाइम में क्या क्या उनको फेस करना पड़ा। मोनास्ट्रीज के बारे में बताया है, बुक्स वगैरह के बारे में। अब यहाँ पे है फाइयन, जो कि चाइना जब लौट गया तो उसका अकाउंट बताया है। फाइयन बिगेन हिज जर्नी फ्रॉम द बंगाल, उसने बंगाल से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वापिस जब जा रहा था ही ब्रोडेड ए शिप, उसने एक शिप बुक की बिलोंग टू द सम मर्चेंट्स। दे हैड बेयरली ट्रेवल्ड फ्रॉम फॉर 2 डेज व्हेन दे वर कॉट इन द स्टॉर्म, 2 दिन के बाद जब वो चले थे वो एक स्टॉर्म में फंस गए। द
मर्चेंट बिगेन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज और ब्रॉट एज लाइट एज द लॉ। उन्होंने अपना जो सामान था उसको नीचे फेंकना स्टार्ट कर दिया और फाइयन से भी बोला कि आप इसको फेंक दो, बट उसने मना कर दिया कि उसके पास बुद्धा के स्टेचूज वगैरह थे जो उसने कलेक्ट किए थे। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 डेज, 13 दिन तक ये स्टॉर्म चला था। दिस इज हाउ यू डिस्क्राइब द सी, उसने कैसे डिस्क्राइब किया है, द सी इट सेल्फ बाउंडलेस इन एक्सटेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू नो कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है एक्सेप्ट ऑब्जर्विंग द सन, अगर सन है तो हम देख सकते हैं कुछ, मून है स्टार है उनके मोशन के साथ ही। इफ इट इज ए डार्क रेनी वेदर द ओनली प्लान टू सियर बाय द विंड, साहब ये विंड रुकने के बाद ही हुआ था एंड वो गलती से 90 दिन के बाद आपका दावा कौन सा है, जहां पे उसने क्या किया 5 मंथ स्टे किया देन ही टुक अनदर मर्चेंट शिप फॉर द चाइना। यहाँ पे बताया गया ह्वेन स्वांग या फिर जुआन जैंग, सॉरी हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना, उसने क्या किया लैंड रूट प्रेफर किया थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया, कैरिड बैक विद हिम स्टैच्यूज, उसके पास कुछ स्टैच्यूज थे बुद्धा के एंड गोल्ड सिल्वर सैंडलवुड ओवर 600 मैन्युस्क्रिप्ट थी जो अपने बैग पे लेके अलोंग विद 20 हॉर्सेज के साथ वो चल पड़ा था। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट जो कि उसकी खोज गई वेन द बोट ऑन विच ही वाज क्रॉसिंग द इंडस कैपसाइज, जो इंडस नदी को पार कर रहे थे, तो आपकी हम बोल सकते हैं 50 मैन्युस्क्रिप्ट चले गए। इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझना है, एग्जाम में ऐसा नहीं आया कि उसकी कितनी मैन्युस्क्रिप्ट हो गई थी, जस्ट समझने के लिए आप एक स्टोरी फॉर्म में इमेजिन करते रहे चीजें। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत टू चाइना, सॉरी चाइनीज, उसने फिर जो बचे हुए थे उनको ट्रांसलेट करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। नालंदा ए यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये किसने बताया है ह्वेन स्वांग या फिर ज्वेन जैंग, तो ह्वेन स्वांग मैं बोल रहा हूं तो उसको हिंदी के प्रोस्पेक्ट से समझना और इंग्लिश में ज्वेन जैंग या फिर ह्वेन स्वांग आप समझ सकते हो। इसने बताया है नालंदा, नालंदा हमारी यूनिवर्सिटी थी, किसने बताई बनाई थी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको पता है तो, अदरवाइज नो कमेंट कर सकते हो। जहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स आते थे जो प्रेजेंट डे कहाँ पे है बिहार में, उसको रिनोवेट किया जा रहा है एंड यहाँ पे मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है। इसने कैसे डिस्क्राइब किया है, द टीचर वर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, क्योंकि जो टीचर थे उनके पास बहुत एबिलिटी थी और अच्छा खासा टैलेंट था। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी और जो रूल्स थे मोनास्ट्रीज के आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम, सभी को उसको फॉलो करना पड़ता था। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन डिस्कशन चलता था एंड द ओल्ड एंड यंग म्यूचुअली हेल्प वन अदर, छोटे बड़े एक दूसरे को हेल्प करते थे। लर्न मैन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज कम हियर टू सेटल देयर डाउट्स, और जो गेट कीपर है आस्क न्यू एंट्रेंट, जो कोई नया आदमी आएगा उससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो पूछेगा। दे आर अलाउड टू एंट्री ओनली, वो सिर्फ उसी को अलाउ करेंगे जो उसके आंसर का सही जवाब दे सके, और 7 और 8 out of 10 आर नॉट एबल टू आंसर, 10 में से 7 से 8 इसका जवाब नहीं दे सकते थे तो उसको एंटर नहीं कर। उसके बाद बताया है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डेटीज विच बिकेम ए सेंट्रल फीचर ऑफ द हिंदुइज्म, जैसे हमने बात की थी कि जो आपके वैश्याज थे शूद्राज थे उनसे ही स्टार्ट हुआ है कि जो, वैसे तो आपकी अगर बात करें बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों आपके इनके फाउंडर, चाहे वो महावीर जैन हो या फिर गौतम बुद्ध, दोनों आपके क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया था कि जो मिडिल क्लास को हम सप्रेस कर रहे हैं ये गलत है, तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया। फिर हम देखेंगे वैश्या और शूद्रा ही इसको ज्यादा ज्वाइन करेंगे, वैश्या ज्यादा करेंगे उज्जैनिज्म को और बुद्धिज्म को, शूद्राज भी करेंगे और आपके फार्मर्स वगैरह सब। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो हिंदुइज्म था उन्होंने सोचा कि हमारी इंपोर्टेंस तो हो रही है, तो उन्होंने अपनी इंपोर्टेंस लेने के लिए भक्ति फॉर्म को स्टार्ट किया जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था भगवतीज्म। एंड दीज डेटीज उन्होंने इस भक्ति की हम बात करें स्पेसिफिकली, जहाँ पे विष्णु शिवा गोडेस से दुर्गा इनको प्रीच करना स्टार्ट किया। अभी आप बताया गया विष्णु एज ब्रह्मा एन इमेज फ्रॉम द ईरान मध्य प्रदेश से लेके आई गई है वाली, जिस मैनिफिसेंट जो स्टेच्यू है स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु है, वराह जो है इसको हम बोर भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पुराण विष्णु टुक द शेप ऑफ ए बोर इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ विच ही हैड सेंट इनटू द वाटर, हियर द अर्थ शोन एज ए वुमेन, अर्थ को एज ए वुमेन शो किया गया। ये
दीज डेटीज वर वर्शिप थ्रू द भक्ति, बुद्धि जो हमारा हिंदुइज्म है उसमें इन डेटीज को प्रीज करना स्टार्ट कर दिया, फिर वर्शिप करना हमने स्टार्ट किया। एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम, दैट इज भक्ति इज द जनरली अनअंडरस्टूड ए पर्सन्स डिवोशन, कि भक्ति जो है किसी एक व्यक्ति के डिवोशंस को समझते हैं उसकी चॉइस के हिसाब से। एनीबडी वेदर रिच पुअर बिलोंग सो कॉल्ड हाई और लो क्लास मैन हो या फिर वो मैन हो, वो भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा जो है स्ट्रिक्टनेस आपकी हिंदुइज्म में भी खत्म होनी स्टार्ट हो गई है। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट फ्रॉम द भागवत गीता, सॉरी भगवत गीता से ही जो आइडिया है भक्ति का निकल के आया है, जो कि एक सेक्रेट बुक है ऑफ द हिंदूज। वैसे आपकी ये रिलीजियस बुक नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा भगवत गीता इज नॉट ए रिलीजियस बुक, जो कि इसमें मेंशन थी महाभारत में। इन दिस कृष्णा गॉड जो है आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड अबैंडन्ड ऑल धर्म एंड टेक द रिफ्यूज इन हिमालय ओनली, अपने महाभारत देखा होगा उसके साथ बता रखा। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति इम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप जो हो गॉड और गॉडेस रेदर देन परफॉर्मेंस ऑफ एलैबोरेट सेक्रीफाइस। उन्होंने बताया कि आप सेक्रीफाइस की जगह भक्ति कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ इफ डिवोटी जो वर्शिप है, जो आप भगवान चूज कर रहे हैं विद ए प्योर हार्ट, द देती विल अपीयर इन द फॉर्म विच ही और मे सी डिजायर, तो वो आपको दिखेंगे भी। या फिर इस तरह बताया गया कि आपको अच्छी बोली तो देती कुड बी थॉट एज ए ह्यूमन बींग, मतलब इसको एज ए ह्यूमन बींग जैसे लाइन ट्री किसी भी फॉर्म में उन्होंने बता दिया। आज हम मूर्ति पूजा करते हैं तो वो इसी की एक फॉर्म है। वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस आर्टिसंस मेड ब्यूटीफुल इमेज, जब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो आर्टिसंस ने इसकी स्टैच्यू वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी। भक्ति का मतलब क्या है, जो संस्कृत का वर्ड है बज, जिसका मतलब है टू डिवाइड और शेयर, मतलब बांटना है और बांट के खाना है। सजेस्ट दिस इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द देती एंड द डिवोटी, भगवान और भक्त के बीच एक रिलेशनशिप हम इसको बोल सकते हैं। भक्ति इज डायरेक्टेड टुवर्ड द भागवत विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, जिसको भी गॉड बताया है, बट ऑल्सो मीन्स वन पोसेसेस द शेयर भाग लिटरली गुड फॉर्चून और ब्लिस एंड द डिवोटी नोन एज भक्त, और जो भागवत है शेयर हिज बागेज इधर हम बोल सकते हैं अपने भगवान के साथ, इसमें कुछ खास नहीं है तो उसके हिसाब से मैं फोकस नहीं करा। मोस्ट जो भक्ति लिटरेचर है टेल्स दैट रिच लर्निंग एंड हाई स्टेटस डू नॉट ऑटोमेटिकली एंश्योर ए क्लोज रिलेशनशिप विद द देतीज, दिस इज ए पार्ट ऑफ पोइम कंपोज इन द तमिल बाई अपार, जिसने एक डिवोटी है शिवा का हु लिव्ड अबाउट 1400 ईयर अगो, अपार वाज ए वेलार, तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में वेलार क्या होता है, फिर वेलदार क्या होता है। दिस लेपर विद रूटिंग लिम्स द मैन हु इज रिगार्डेड एज लो बाय द ब्राह्मण इवन द स्कैवेंजर इवन दीज मैन इफ दे वर सर्वेंट डिवोटीज हैं ऑफ हिम ऑफ हु सेल्टर इन द गंगा सॉरी ऑफ हिम हु सेल्टर द गंगा इन हिज लॉन्ग ईयर्स, जो कि शिवा के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने गंगा अपने ईयर्स में होकर रखी है। आई वर्शिप देम दे आर गॉड्स टू मी, वो मेरे लिए भगवान है। बिकॉज दीज डेटीज वर स्पेशल है, दीज इमेज ऑफ द देतीज आर ओपन प्लेस विद द स्पेशल, जिसको हम मंदिर बोलते हैं टेम्पल, और चैप्टर 11 में देखने वाले हैं। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन इन द स्कल्पचर पोएट्री और आर्किटेक्चर के थ्रू। अब आया है हिंदू, द वर्ड हिंदू जैसे इंडिया जो है इसी की तरह ड्राइव हुआ है फ्रॉम द रिवर इंडस, क्योंकि वो लोग सिंधु को हिंदू बोलते थे, सिंधु नदी है उसको बस। It was used by the Arab and Iranians to refer people who lived in the east of the river. जो river east Indus है उसके east में जो है उसको Indians बोल दिया, और their cultural practices और religious belief के हिसाब से। अब बताया गया आज से 2000 साल पहले Christian emerged in the West Asia. West Asia से आपका Christianity emerged हुई है, जिसमें जो Jesus Christ है was born in the Bethlehem. Was देन ए पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, उस टाइम पे एक रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। क्रिस्ट टीचिंग वर्क ही वाज़ द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, ही आल्सो टॉट पीपल टू ट्रीट अदर्स विद द लव एंड ट्रस्ट अदर्स जस्ट एज दे देमसेल्फ वांटेड टू बी ट्रीटेड, जैसे वो अपने आप को ट्रीट करवाना चाहते हैं उसी तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एक आपके वर्सेज हैं श्लोक वगैरह बाइबल की, द होली बुक है ऑफ क्रिश्चियनिटी, ब्लेस आर दोज हु आर हंगर एंड थ्रेस टू फ्राइटनेस, जो भूखे और प्यासे हैं को हमें खाना वगैरह देना चाहिए। दे ऑल्सो सेल बी फील्ड बिकॉज सॉरी ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे सेल ऑब्टेन मर्सी,
ब्लेस्ड आर प्योर इन द हार्ट दे शैल सी गॉड, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर फॉर दे शैल बी कॉल्ड एज द सन ऑफ द गॉड। क्रिस्ट टीचिंग अपीयर टू बी ऑर्डिनरी पीपल टू द ऑर्डिनरी पीपल एंड स्प्रेड थ्रू द वेस्ट एशिया अफ्रीका और यूरोप में। वो जो फर्स्ट क्रिश्चियन था प्रीचर केम फ्रॉम द वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया से आपका पहला जो क्रिश्चियन है वो आया था द वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया में आपका वेस्ट कोस्ट के ऊपर आया। और जो क्रिश्चियन है केरला में आज के टाइम में नोन एज साइरियन क्रिश्चियन बिकॉज दे प्रोबेबली कम फ्रॉम वेस्ट एशिया द मोस्ट अमंगस्ट द ओल्ड क्रिश्चियन कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे पुरानी मानी जाती है। मुवेंदर किसके लिए था? ए वर्ड दैट इज सिग्निफाइज थ्री चीफ्स फ्रॉम व्हाट, सोलचेरा एंड पांड्यास। मुवेंदर काफी वर्ड होता है, काफी यूज होता है, दैट इज साउथ किंगडम में। लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापत ये आपका कौन है? सातवाहन रूलर। अश्वघोष कौन है? जिसने बुद्ध चरित लिखी थी, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। बोधिसत्ववाद क्या है? महायान बुद्धिज्म। इन्होंने रिलेट किया है बोधिसत्ववाद को, महायान वैसे एक आपका न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है जो कि एक ब्रांच है, थोड़ा सा आप एलोबरेट करेंगे। यह है बुद्धिज्म, इसकी दो ब्रांच निकली हीनयान और महायान। कहीं ना कहीं महायान को रिलेट करें बोधिसत्वा के साथ और हीनयान को या फिर ओल्डर फॉर्म को, दैट इज थेरावादा। वैसे आप याद रखें वेन स्वांग कौन था? ए चाइनीज पिलग्रिम। तो आज के चैप्टर के साथ हमने क्या देखा है कि ट्रेडर्स मुवेंडर जो कि थ्री चीफ्स को रिकॉग्नाइज करता है, रूट सिल्क कुषाण महायान थेरावादा बोधिसत्वा पिलग्रिम्स और भक्त। सो दैट्स इट, कुछ इंपॉर्टेंट डेट, डिस्कवरी ऑफ द सिल्क रूट या फिर मेकिंग ऑफ द सिल्क आज से 7000 साल पहले, चोल चेर पांड्याज 2300 साल पहले, ग्रोइंग डिमांड फॉर द सिल्क इन द रोमन एम्पायर 2000 साल पहले, कनिष्क द कुषाण रूलर 1900 साल पहले ये रूल करता था, फाइयन आज से 1600 साल पहले आया था, वेन स्वांग अपार कंपोज, ये सब 1400 ईयर। सो दैट्स इट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।